ये 5-6 सालों में ये बहुत ज़्यादा मतलब मेरे को हेयर फॉल का प्रॉब्लम चालू हुआ। जब फर्स्ट सेशन हुआ था तो ये सामने के पोर्शन में मुझे ग्राफ्ट लगाए गए हैं, क्योंकि मेरी जो कंडीशन थी वो तो बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल थी, मतलब मुझे उम्मीद ही नहीं थी जब मैं फर्स्ट टाइम आया था। मेरा नाम सोनल पारदे है, मैं छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से हूँ। मैं सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ, रेलवे में जॉब करता हूँ। ये 5-6 सालों में ये बहुत ज़्यादा मतलब मेरे को हेयर फॉल का प्रॉब्लम चालू हुआ। उसके बाद मैंने ट्रीटमेंट वगैरह भी करवाया, लेकिन उसका कुछ विशेष बेनिफिट मेरे को मिला नहीं। मतलब डर्मा रोलर और भी कुछ एक दो ट्रीटमेंट करवाया, लेकिन कोई इससे फ़ायदा हुआ नहीं। फिर ये यूट्यूब वगैरह फॉलो करता था, तो उसमें ट्रांसप्लांट के बारे में वहीं से जानकारी मिली, एक यूएसटी क्लिनिक है बेस्ट जहाँ आपका पॉसिबल हो सकता। तो फर्स्ट टाइम तो मैं मतलब नॉर्मल चेकअप के हिसाब से आया था कि हो सकता है कि नहीं, मतलब मेरे को उम्मीद नहीं थी। जो मेरी ग्रेडिंग थी तो मुझे नहीं लगता था कि मैं मतलब सक्सेस हो पाएगा। तो पहली बार में काफ़ी बेहतरीन रिजल्ट मिला है, मतलब मेरे अकॉर्डिंग जो मैं था और अभी की कंडीशन में देखा जाए तो बढ़िया बेहतरीन है। और सेकेंड सेशन के लिए मैं अभी आया हूँ, और इस बार भी उम्मीद मुझे है कि अच्छा रिजल्ट मुझे मिलेगा। जब फर्स्ट सेशन हुआ था तो ये सामने के पोर्शन में मुझे ग्राफ्ट लगाए गए हैं, 5000 समथिंग ग्राफ्ट लगे हैं। और अभी मेरा सेकंड सेशन है, तो जो मेरा पीछे का पोर्शन है वो 4500 ग्राफ्ट उसमें बताए गए हैं मुझे। हाँ, सोशल लाइफ पे कोई इफेक्ट पड़ा नहीं है, मतलब लाइफ सही चल रही है। लेकिन एक महत्वाकांक्षा थी अंदर की, भाई ये चीज़ भी अपन को करवानी चाहिए अगर पॉसिबल हो तो। उसी उम्मीद में लास्ट टाइम आया था मैं, और मुझे रिज़ल्ट मिला तो मैं करवा रहा हूँ। यहाँ काफ़ी बेहतर सुविधाएं हैं, स्टाफ काफ़ी कोऑपरेटिव है, हाइजीन है, साफ़ सुथरा माहौल है और अच्छा परिवेश है, बढ़िया लगा मुझे। आज QST क्लिनिक में मेरी सर्जरी कंप्लीट हुई। काफ़ी अच्छा स्टाफ बिहेवियर था, हाइजीन था, काफ़ी कोऑपरेटिव थे। बीच में लंच वगैरह ये वो उनके द्वारा ही पूछा जाता है कि सर आपको पेन तो नहीं हो रहा है, डिनर लंच तो नहीं करना, ब्रेकफास्ट तो नहीं करना है, पानी तो नहीं पीना, मतलब काफ़ी ध्यान रखा जाता है पेशेंट का हर बात के लिए, बार बार उसको एडवाइस किया जाता है। और बाकी सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगी मुझे, स्टाफ, यहाँ का हाइजीन, और काफ़ी कोऑपरेटिव है। मुझे 4500 समथिंग ग्राफ्ट लगे हैं, सेकंड सेशन है मेरा ये। फर्स्ट सेशन जनवरी में हुआ था और अभी नवंबर में दूसरा सेशन कंप्लीट हुआ, आप देख सकते हैं। की तरफ से बहुत से जो प्रिकॉशंस हैं मुझे यहाँ बताए गए कि जो डोनर एरिया उसको सनलाइट से बचाना है, और 7 डेज के लिए जो प्रिकॉशन लेने हैं वो बहुत अच्छे से, बहुत ही तरीके से बताए गए, बहुत सरल माध्यम में मतलब बताए गए कि आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन ना हो। मुझे अच्छे से समझ में आ गया कि 7 डेज के क्या प्रिकॉशन है, तो उसके बाद 2 मंथ्स की दवाई कैसे लेना है, उसके बाद क्या करना, सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से समझाई गई। जो भी लोग हेयर लॉस प्रॉब्लम झेल रहे हैं या उससे जूझ रहे हैं, तो उनके लिए मेरा यही सजेशन है कि आप बिल्कुल वक्त गवाए, अपना ट्रीटमेंट करवाए, बिल्कुल सक्सेस है। क्योंकि मेरी जो कंडीशन थी वो तो बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल थी, मतलब मुझे उम्मीद ही नहीं थी जब मैं फर्स्ट टाइम आया था तो कुछ हो पाएगा। एक होप लेके आया था और ये सोच के आया था कि नहीं होगा तो मैं वापस चले जाऊँगा, लेकिन जब मैं यहाँ आया तो मुझे रिज़ल्ट पहले भी मिला और अभी भी बेस्ट रिज़ल्ट मिलेगा, ऐसी मुझे पूरी आशा है। थैंक्स QST क्लिनिक।
हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ध्यान रहे, बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो का अपडेट आपको समय समय पर मिलता रहेगा।